आपने भी कभी ना कभी एरोप्लेन के पीछे से ये व्हाइट लाइन निकलती हुई जरूर देखी होगी और सोचते होंगे कि ये चीज क्या है और निकलती कहां से है। तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये पायलट्स के द्वारा छोड़ा गया प्लेन का फ्यूल होता है, जिसे वो 6000 फीट की ऊंचाई से गिराते हैं। लेकिन ऐसी भी क्या मुसीबत आ जाती है कि पायलट्स को इतना महंगा फ्यूल बाहर गिराना पड़ जाता है। तो दरअसल ये जो कमर्शियल फ्लाइट्स होती हैं, वो लंबी उड़ान के लिए बहुत ज्यादा फ्यूल ले जाती हैं। लेकिन कभी कभी किसी कारण या इमरजेंसी की वजह से उन्हें बीच में ही उतरना पड़ता है। अब अगर इमरजेंसी लैंडिंग के समय उस प्लेन का फ्यूल टैंक भरा होगा तो प्लेन का वजन भी बढ़ जाएगा और लैंडिंग करते समय उसके लैंडिंग गियर पर और अदर कंपोनेंट्स पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा, जिससे कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। तो यही सारी बात को ध्यान में रखते हुए पायलट्स फ्यूल को 6000 फीट से नीचे गिरा देते हैं और इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद फ्यूल हवा में ही खत्म हो जाता है और प्लेन सेफली लैंड कर जाती है।